जो लोग निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं, ये उनका विवेक और उनकी इच्छा है। आप देख रहे हैं केवल सच। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सियासत से लेकर खेल और अध्यात्मक से जुड़ी तमाम हस्तियों को भी कार्यक्रम में आने का न्योता मिला है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के अलावा भी विपक्ष के कई नेता ने निमंत्रण पर ठुकराया है। बेगूसराय में पत्रकारों ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से कांग्रेस द्वारा निमंत्रण अस्वीकार किए जाने को लेकर सवाल किया। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि निमंत्रण स्वीकार करना या अस्वीकार करना कांग्रेस का निर्णय है। जो लोग मंदिर निर्माण करवा रहे हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, वो किनको निमंत्रण दे रहे हैं ये उनका इच्छा है, उनका विवेक है। वही जो लोग निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं ये उनका विवेक और उनकी इच्छा है। हमने भी खबरों में पढ़ा है कि कांग्रेस ने विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया कि वो राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं बनेंगे। सुनिए प्रशांत किशोर ने आगे और क्या कहा। भाई ये कांग्रेस का निर्णय है, जो लोग वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जो बना रहे हैं, जो निमंत्रण दे रहे हैं, वो किनको निमंत्रण दे रहे हैं ये उनकी इच्छा है, उनका विवेक है। जो लोग निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं ये उनका विवेक और उनकी इच्छा है। इस पर मेरा क्या, मुझसे आप क्या टिप्पणी चाहते हैं? जैसे आपने खबर में पढ़ा, वैसे हमने भी कल खबर में पढ़ा कि कांग्रेस ने विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया है कि वो राम मंदिर के ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं बनेंगे।